गुड मॉर्निंग राधे राधे आप सभी को। और फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हो, मैंने आज कॉलेज नहीं गई हूँ, आज है विश्वकर्मा पूजा। आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे गोपाल की तरफ से हैप्पी 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 विश्वकर्मा पूजा। और अभी हम लोग जा रहे हैं अभी फील्ड की तरफ, और कल से शुरू होगा कॉलेज, क्योंकि मैं सब सब्जेक्ट अभी चेंज करूँगी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रही वो सब्जेक्ट, इसलिए। और फिलहाल जल्दी जल्दी मैं यहाँ करके आ जाऊँ, बाद में आप लोगों को मिलूंगी। रिंग्स अभी हमें मैं लगा रही है रिंग्स, ये मेरी सिस्टर ने मेरे को गिफ्ट किया था, बड़े सिस्टर ने। और फिलहाल इतना गर्मी है बाहर, अभी थोड़ा मैंने यहाँ पर क्रीम लगा दिया था जो सनस्क्रीन, इसलिए मैं थोड़ा 15 मिनट में रुक कर ही बाहर जाऊँगी, नाले नहीं तो यहाँ पर पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाएगा पसंद से। गाइज मैं पहुंच गई थी फील्ड, और फील्ड में यहाँ पे मुझे कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए बुलाई है, यहाँ पे मैं कृत्रिम गर्भाधान कर लिया था। और इसके बाद अभी मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ मेरी रूम, क्योंकि आज विश्वकर्मा पूजा भी, यहाँ पे मुझे थोड़ा टमाटर वगैरह खरीद कर ले जाना पड़ेगा रूम में, क्योंकि मैं पनीर लेकर आया। और अभी मैं पहुंच गई फिलहाल रूम, और यहाँ पे मैं लेकर आई थी पनीर और पोटैटो उसके साथ टोमेटो। और अभी मैं बनाऊंगी पनीर का टिक्का, कैसे बनाते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बनाने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे ना मैं पूरा बोतल को साफ कर रही हूँ, क्योंकि सुगंध आ रही है ना, इसलिए ये प्रकार मिल गई है अभी विश्वकर्मा पूजा का, क्योंकि मालिक ने दिया है। फिलहाल मैंने खाना खा लिया था, और अभी इतना गर्मी है बाहर, देखो कितना तेज धूप है अभी, यहाँ पर देखोगे आपको, ये देखो कितना तेज धूप है। और फिलहाल आज तो कॉलेज नहीं गई हूँ, अभी खाना पीना खा कर एकदम बहुत मस्त हुआ है, पूरा मस्त हुआ है जो मैंने पनीर का टिक्का बनाई थी। और उसके साथ साथ अभी मुझे जल्दी जल्दी कुछ काम करना है, थोड़ी देर के बाद आप लोगों को मिलूंगी। बहुत गर्मी है ना, थोड़ा जैसे नहीं गई हूँ आज, नहीं आज मैंने फील्ड का काम भी कंप्लीट कर लिया था। आज फिलहाल मैं निकल रही हूँ जाने के लिए फील्ड की तरफ, क्योंकि अभी कृत्रिम गर्भाधान है, मंडे में भी कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए गई थी। और फिलहाल यहाँ पे अभी यह है, कल कॉलेज जाना पड़ेगा ना, अभी जो काम था यही पर खत्म करना पड़ेगा। और वैक्सीनेशन ड्यूटी भी चल रही है। उसके साथ आज ना रोमियो ने क्या किया, उसने ना बहुत देर एक बड़ी गुड़ी जो होती है ना एक एनिमल, उसको एकदम पकड़ने के लिए वो पूरा सामने से पूरा एकदम यहाँ भगा रही थी, लेकिन मैंने उनको देखा वो ना बहुत बड़ सांस ले रही है, जब गुड़ी ना वो बहुत ही सांस ले ऐसा सांस ले रही है, मैंने ना उनका पूरा एकदम पंख देख लिया था, इतना बड़ी इतना लंबे, और मुझे बहुत डर भी लगा, इसलिए मैंने रोमियो को मारा, क्योंकि वो हम लोगों के यहाँ ये जो जिसका घर है ये उसका घर के आसपास ही रहती है, हम लोगों का यहाँ पे भी आती है, लेकिन मैं देखी रहती हूँ लेकिन कुछ नहीं कर रही हूँ। लेकिन ना उसने रोमियो ने आज हार्ड ही पड़ कर दिया था, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आया, उसके लिए उसको मारने के लिए गई ना, अभी मेरा जो झाड़ू है ना वो टूट गई है। अभी टाइम हुआ है फिर से 3:02, और अभी मैं निकल रही हूँ फील्ड की तरफ, क्योंकि यहाँ पे मुझे फिर से कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए बुलाया है, और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी आ रही हूँ और आप लोगों को दिखाऊंगी वहाँ पर जाकर। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आपको पता, आप लोगों को पता चल जाएगा आज का दिन मैंने क्या किया, क्या कहाँ पर गई। और लेट्स गो, इसमें तो पहुंच गई थी फिर, लेकिन यहाँ पे मुझे मैं मुसीबत खड़ी हो गई, क्योंकि ये ओनर को लगा कि ये प्रेग्नेंट है, इसलिए उन लोगों ने 6 मंथ हो गई इंजेक्शन लगाई थी, कृत्रिम गर्भाधान किया था, लेकिन उन लोगों ने चेकअप नहीं किया था कि ये प्रेग्नेंट है या नहीं। उसके बाद आज जब हिट में आई गाय, सिम्टम दिखाया गा जो हिट का, तभी उन लोगों को पता कि ये जो सॉरी ये गाय प्रेग्नेंट नहीं है। उसके बाद मुझे अभी चेक करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने चेक किया, चेक करने के बाद इंजेक्शन लगाऊंगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम दिक्कत खड़ी हो जाती है फिल्म में जब बच्चा होती है 2 मंथ 3 मंथ का, लेकिन इंजेक्शन लगा दूंगी तो ये एबॉर्शन भी हो जाती है, इसलिए मुझे लगा कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेगनेंट का चेक कर लूँ। गाइज ये देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है, अभी फिलहाल टाइम हुआ है 5:45, लेकिन यहाँ पे मुझे देखने के लिए मिला है इतना खूबसूरत नज़ारा। यहाँ से जो सूरज डूब गई थी, यहाँ पे सन निकल के आ गई, ये सन है, और उसके बाद मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, यहाँ पे सूरज अभी डूब गई है, यहाँ पे निकल के आई है चंद्रमा, और इतना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे, जब ये छोटा छोटा बच्चा को देखने के बाद मुझे याद है मेरे गाँव का। और गाइस ना अभी हम लोग जा रही हो रूम की तरफ, लेकिन यहाँ पे तेज हवा चल रही है और इतना अंधेरा है, देखो यहाँ पे ना हम लोग आ रहे हो, ये देखो कितना मस्त है, बहुत ठंड लग रही है यहाँ पे टेम्बो के नीचे में आने से। और फिलहाल आप लोगों को जाकर मिलूंगी। गाइस फिलहाल
यहाँ पे ऑनर ने दिया था, यहाँ पे हम लोगों को दिया था प्रसाद खाने के लिए। अभी प्रसाद खाऊंगी और जल्दी जल्दी मैं फिर से आकर टूट पड़े खाने के लिए प्रसाद। ये वाला वीडियो को मैं ही पहन कर रही हूँ। वीडियो को आप लोगों को कैसे लगा, वीडियो को आर्ट से लग रहा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरे मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए आप लोग, और मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को अच्छा अच्छा वीडियो डालने के लिए। कल खजाऊँ के कलर्स और लेट्स को, अभी रात भी हो चुकी है। अभी फिलहाल टाइम हुआ है, मैं अभी डिनर कर रही हूँ। अभी टाइम हुआ है 7:32, मैं ऑलमोस्ट 8 बजे तक आप लोगों को ये वाला वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। और आप लोग प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइए कि मेरे वीडियो कैसे लगती है आप लोगों को, और डेली ब्लॉग देती हूँ आप लोग कैसे लगते हैं। और मेरा जो दूसरी चैनल है क्रिटी बेटनी ब्लॉग, वहाँ पर जाकर आप लोग विजिट कीजिए। वहाँ पर मेरा आज का जो फिल्म में गई थी, जो क्रिटी में कपड़ा करने के लिए कैसे किया था, आप लोगों को वहाँ पर अपडेट मिलती रहेगी। और लेट्स गो, बाय बाय, गुड नाइट।